एक अनदर एम्बेरसिंग लॉस फॉर साउथ अफ्रीका एंड ऑब्वियसली हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है यार। अब हम क्या कह सकते हैं उनकी क्रिकेट के बारे में। अब बॉलिंग उनकी पूरी, बुमराह जैसा खतरनाक बॉलर, आई मीन टोटल डोमिनेशन लाइक ऑल थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। और विराट कोहली को बहुत बहुत मुबारक हो, उसने साबित किया है कि वो दुनिया की, आजकल की दुनिया जो मॉडर्न डे हम ग्रेट कहते हैं, ही इज ऑन टॉप ऑफ द लैडर, टॉप ऑफ द लैडर। आज साउथ अफ्रीका क्या करता है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने क्या किया, मुझे आज के मैच का इंतजार इसलिए था कि चलो यार दो बड़ी तगड़ी टीमें, मजा आएगा। ये क्या हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ? हमें क्रेडिट देना चाहिए जो इंडिया इस टाइम पे क्रिकेट खेल रहा है ना, उसके आस पास भी कोई नहीं है। कोहली की रात होगी, कोहली की रात होगी, 48 में 50, अगली 10 बॉलों में खोल दिया। क्या रबादा, क्या यंसन, क्या ये, क्या वो, ये है विराट कोहली, ये आपका विराट कोहली। 160-170 भरे हुए थे, विराट कोहली मेक श्योर करके खड़ा रहा उस वक्त, जब तक 160 क्रॉस नहीं करा दिया उसने टीम इंडिया को। आज आधे रन मार दिया पुणे, अबे बजा के रख दी उन तमाम ढक्कन चोरों की जो साले निकल के कल से दिमाग खराब किया होता, कब से नहीं चल रहा, कब से नहीं चल रहा। अबे उन घरों में जिनमें अभी तक जनाजे पड़े नहीं गए, यानी कि हमारे, हमारी टीम के पड़े नहीं गए, उनको भी फिक्र ये थी कि विराट नहीं चल रहा, भाई तुम्हारा बाप है क्या विराट नहीं चल रहा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इस वक्त इंडिया रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विराट कोहली आज उन्होंने स्कोर किए और उसके बाद उनकी बॉलिंग खा गई साउथ अफ्रीका को। आज विराट कोहली ने माशाल्लाह अपनी, मैं माशाल्लाह इसलिए कहूँगा कि बहुत सारी पाकिस्तान में भी बड़ा फैन क्लब है उनका, बहुत लोग पसंद करते हैं और वो क्रिकेट की खूबसूरती है। इंडिया की टीम को ना साउथ अफ्रीका ये जो टफ टाइम दे सकती है, सही है, लेकिन इंडिया ने दिखाया नहीं, कोई भी नहीं जीत सकता, वर्ल्ड कप ही उठाएंगे। दोस्तों 13 साल बाद भारत ने आज फिर से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा लिया है और T20 वर्ल्ड कप जीतने भारत ने फिर से एक बार इतिहास रच दिया है। और इस भारत की जीत के अगर कोई नायक रहा है आज इस मैच का तो विराट कोहली, अक्षर पटेल और हमारी गेंदबाज रहे। उसके बाद भारत 176 टारगेट मतलब हासिल करते जो रन हासिल कर लिया और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये जो टारगेट है ये साउथ अफ्रीका के लिए आसान नहीं होगा और वैसा ही हुआ और बिल्कुल हमारे गेंदबाज के सामने साउथ अफ्रीका ढह गई और 13 साल बाद भारत का सपना फिर से पूरा हुआ एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने का। तो दोस्तों इसको लेकर अफ्रीका को बोलते थे ना कि वो टीम लगती है जो शायद मुकाबला करे, तो आज वो मिट्टी के रेत के ढेर की तरह साफ कर खत्म। सचिन तो मास्टर था, क्लासिक। और अगर कोई इस टाइम में किसी को किंग का नाम देना चाहिए वो सिर्फ विराट ही है, बाकी कोई आसपास नहीं है, कोई भी आसपास नहीं है। पूरे इंडिया को मुबारकबाद विराट कोहली को, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी कंट्री के लिए, ऐसा प्लेयर। इंडिया की टीम को ना साउथ अफ्रीका ये जो टफ टाइम दे सकती है, सही है, लेकिन इंडिया ने दिखाया नहीं, कोई भी नहीं जीत सकता, हम वर्ल्ड कप ही उठाएंगे। वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से हकदार सही है ना, जो जैसी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जैसे डोमिनेट किया हर टीम को, ऐसी टीम को डोमिनेट करना किसी टीम ने नहीं किया, उस कमाल बॉलर्स की बड़ी जबरदस्त एफर्ट। वो विराट कोहली जिन्होंने पहले ओवर में 4-3 चौके मारे, मजबूर हो गए सिमट के खेलने पर, और दूसरे एंड से अक्षर पटेल आए और फिर अक्षर पटेल के छक्के आपने और हमने सबने देखे 31 पे 47। रोहित शर्मा जानता था कि जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है आज मैच के अंदर वो इसका है, इसको भेजो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनाओ, अक्षर को आज मारा गया, अक्षर ही चाहिए था जो छक्के लगाना शुरू किए और 31 पे 47 इस बोलिंग अटैक पे और 3-4 छक्के लगाना, अक्षर ने ये गेम वापस इंडिया के पक्ष में किया। और विराट का कमाल आज के दिन जो मानना होगा, मैं आपको बताऊं अक्षर की ब्रिलियंस में, आपको बताऊं सबसे वीक लिंक जो था साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में वो मार काम था, वहां से चार शुरू किया, उसने बोला यार जब तक शमसी आएगा, नहीं मारा तो शमसी को सीधा छक्का मारा, मारग्राम शमसी से पहले आया था, हाँ, वो तो बहुत सामने उसने छक्का दिल खोल के मारा है ना, अबे ऐसी की तैसी करती, देखिए खोल दिया, जो गेम सेंस था, जो गेम रीडिंग थी वो ये थी, अक्षर की ज्यादा लग रही थी मुझे कि इनके वीक लिंक को पहले ही कमजोर कर दो, इससे पहले के शमसी आए, शमसी डर कर आया, फिर उसके बाद शमसी खोल के नहीं आया। अबे फिर दूसरा ये कि जिसके मुंह में 160-170 भरे हुए थे, विराट कोहली मेक श्योर करके खड़ा रहा उस वक्त, जब तक 160 क्रॉस नहीं करा दिया उसने टीम इंडिया को, आज आधे रन मार दिया पुणे, अबे बजा के रख दी उन तमाम ढक्कन चोरों की जो साले निकल के कल से दिमाग खराब किया होता, कब से नहीं चल रहा, कब से नहीं चल रहा। अबे उन घरों में जिनमें अभी तक जनाजे पड़े नहीं गए, यानी कि हमारे, हमारी टीम के पड़े नहीं गए, उनको भी फिक्र ये थी कि विराट नहीं चल रहा, भाई तुम्हारा बाप है क्या विराट नहीं चल रहा, वो क्रिकेट का बाप है, वो चलेगा तो धूम धड़क के चलेगा, और जब वो चला तो फिर आपने देख लिया उसको रोकने वाला कोई नहीं था। कोहली की रात होगी, कोहली की रात होगी, 48 में 50, अगली 10 बॉलों में खोल दिया। क्या रबादा, क्या यंसन, क्या ये, क्या वो, ये है विराट कोहली, ये आपका विराट कोहली। तो 23 पे 1,
23 पे 2 34 पे 3 इंडिया वार इन डीप 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 ट्रबल। इंडिया वाज नॉट ब्रीदिंग, कोई लगड़ बगड़ आसमान पे। इंडिया हार गया, खुशियां मना रहे हैं, आसमान के साथ लगे हुए हैं। करेगा, खड़ा होगा, दिखाएगा, चाहे यंगसन हो, चाहे रबदा हो, चाहे जो मर्जी हो, दिखाएगा कोहली कि मैं बादशाह क्यों। देयर इज अ रीजन, जब सब बैठ जाते हैं तो मेलबर्न 2.0 आती है, जब सब रह जाते हैं तो मेलबर्न 2.0 आती है, जब हिंदुस्तान मुश्किल में होता है सब साथ छोड़ जाते हैं तो विराट कोहली बताते हैं कि मैं हूं ना। 35 पे 3 आउट थे और लग रहा था कि ये टीम शायद 100 भी ना कर पाए। रोहित शर्मा आउट हो गया था, सूर्य कुमार यादव आउट हो गया था, ऋषभ पंत आउट हो गया था, लग रहा था कि ये टीम सर 35-100 भी नहीं करेगी। जिस तरह की साउथ अफ्रीका बॉलिंग कर रहा था या जो कोलैप्स इंडिया के ऊपर से हो गया था, फिर एक बंदा आया जिसका नाम है विराट किंग कोहली, बजा दिया पकड़ के व्यास भाई, उसने बजा दिया घंटा पकड़ के। इधर हमारा वो नकली 2% का शैंपू वाला किंग, घंटे का किंग होता तो वो क्या करता। आप मुझे बताओ कि अगर इधर बाबर आजम होता उसने तो पेश करा देनी थी। लास्ट ईयर जब पाकिस्तान फाइनल खेल रहा था तो भाई ऐसी सिचुएशन थी, बाबर आजम ने बो वाली टट्टी की थी और बाबर आजम आउट हो गया था। लेकिन आज विराट कोहली ने जो इनिंग खेली है 76 रन की, उसके साथ जो इनिंग खेली है अव्यास भाई, एक बंदे की बात करूंगा अक्षर पटेल की, अक्षर पटेल जो है वो घंटे के किंग से बड़ा प्लेयर है। ये दो टीमें वो थी जो आज मैच खेल रही थी अब तक अगर वर्ल्ड कप 2020, और ये दो ही टीमें जो अब तक फाइनल में पहुंची, आज जिनका मुकाबला हुआ था हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि टीमों के दरमियान कोई बहुत ही तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन वन साइडेड इनकाउंटर। हालांकि जब रोहित शर्मा ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था, लेकिन रोहित शर्मा खुद जिस अंदाज से अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे हैं वो कमाल है। उनके जहन में अपना कोई माइलस्टोन नहीं है। आज विराट कोहली ने माशाल्लाह अपनी मैं माशाल्लाह इसलिए कहूँगा कि वो सारी पाकिस्तान में भी बड़ा फैन क्लब है उनका, बहुत लोग पसंद करते हैं और वो क्रिकेट की खूबसूरती है। ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।